नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए फरखाबाद से ये खबर। फरखाबाद का शायद ऐसा गांव हो कोई जहां कोई बीमारी ना हो। कमालगंज ब्लॉक क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक गांव में कई ग्रामीण बुखार से तप रहे हैं। उल्टियों के साथ साथ खांसी की भी दिक्कत है। घरों पर ही कई लोगों का इलाज चल रहा है। लोग बीमारी को देख कर घबराए हुए हैं। समझ में नहीं आ पा रहा है कि आखिर ये बुखार कैसे पीछा छोड़ेगा। पूरे गांव में गंदगी का अंबार है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। कोरोना काल में कई बार ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इससे पहले आपको बता दें, गांव में इसी तरह का हाल है जो अब है। इससे गाँव के लोग धीरे धीरे बुखार और संक्रमक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। कमालगंज ब्लॉक के शंगीरामपुर के मजरा भूमि नगला गाँव में ऐसा कोई घर नहीं है जहां कोई बुखार से पीड़ित ना हो। गांव की आबादी 2000 से अधिक है। गंगा किनारे बसे इस गांव में सफाई व्यवस्था चौपट है। गांव की हर गली नुक्कड़ पर कूड़े के ढेर लगे हैं। गलियों में नालियां गंदे पानी से बज बजा रही हैं। भिम्मी नगला, आज़ाद नगर, भटपुरा, चमन नगरिया, बसा नगला, ऐसे कई इलाके गाँव में हैं जहां कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। भिम्मी नगला गांव में 200 से अधिक लोग बुखार की चपेट में हैं। आपको बता दें, लोगों को बुखार, उल्टियां हो रही हैं। वहीं भिम्मी नगला के महेश व आलोक की जब घर में तबीयत बिगड़ी तो दोनों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने बताया कि गांव में और भी कई लोग बीमार हैं जो अपने स्तर से इलाज करा रहे हैं। गांव में अभी तक यहां स्वास्थ्य टीम नहीं पहुंची है। इससे बीमारी को लेकर लोग घबराए हुए हैं। ग्रामीणों के अनुसार गांव में एक महीने से पहले एक 30 वर्षीय युवक की मौत इस बुखार के कारण ही हो गई थी, जबकि 3 दिन पहले ही एक और व्यक्ति की असमय मौत इसी तरह के बुखार के चलते हुई है। गांव में जितेंद्र, रिंकू, गौतम, श्रवण, अंशु, अभिषेक सहित करीब 150 लोग बीमार हैं। परिजनों के माने तो, वहीं आपको बता दें, मरीजों के जो परिजन हैं उन्होंने बताया कि प्रशासन ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है इस ओर। ना तो जांच के लिए टीम आई है और ना ही दवाइयाँ बांटी गई हैं। आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? सोचने वाली बात है। कब तक लोगों को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ऐसी ही गंदगी में रहना पड़ेगा? फरखाबाद से रघुवंश दुबे की रिपोर्ट। कौन सा गांव है? भिम्मी नगला। आपके गांव में करीब कितने लोग बीमार होंगे? कम से कम 50-60 लोग बीमार हैं। कब से बीमार हैं? आज 4-6 दिन से बीमार है। हमारे घर में खुद 3 लोग बीमार हैं। कोई यहाँ पे स्वास्थ्य टीम आई सरकारी? कोई टीम नहीं आई। कोई दवा देने, जांच करने? दवा देने नहीं आई। फिर आप लोग इलाज कहाँ से करा रहे हैं? इलाज तो आप फरुखाबाद फतेह ले जाते, कर्जे पे रुपए लेते हो, कर्जे से इलाज करा रहे हैं। कर्ज ले इलाज करा रहे हैं। आपके गाँव में सफाई व्यवस्था क्या है? सफाई तो फिलहाल में नाली दवा छिड़क गए हमारी तरफ से, और आगे सफाई कर्मी कोई आता नाली वाली सफाई करने? ये सब सफाई तो कल आया था, लेकिन अभी सफाई नहीं हुई। गुजारा आया लेकिन सफाई नहीं हुई। आया था गांव में जो है, बुखार से या बीमारी से कोई खत्म हुआ क्या? नहीं, खैर खत्म अभी नहीं हुआ।